ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे कंसेप्ट की बात किया गया है और इस पे यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इन एंशिएंट टाइम्स, जो पुराने समय में लोग रात को, कभी दिन में तो पता चल जाता है कि सूरज जिधर से उग रही है तो पूरब किधर है और कहाँ ढल रहा है, पश्चिम का है, लेकिन रात में तो हमें ऐसा कोई सेलेस्टियल बॉडीज नहीं है जो हमें डायरेक्शन पता करने में मदद करे। तो पुराने जमाने में लोग रात को डायरेक्शंस का पता करते थे तारों के द्वारा, फ्रॉम सेलेस्टियल बॉडीज दे यूज टू फाइंड राइट डायरेक्शन। तो यहां पर एक नॉर्थ स्टार का कंसेप्ट दिया गया, नॉर्थ स्टार जिसे हम पोल स्टार भी कहते हैं, कि पोल स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में उगता है। तो अगर हम कभी पोल स्टार को लोकेट कर लिए तो हम नॉर्थ डायरेक्शन को पता कर लिया, जब हमें एक डायरेक्शन पता चल गया तो दूसरे डायरेक्शन हम इजिली पता कर सकते हैं। तो पोल स्टार को लोकेट करने का उसको एक तरीका बताया गया है सप्तऋषि के द्वारा। देखिए ये सप्तऋषि है, स्मॉल बियर, और ये पॉइंटर स्टार है, ये दो पॉइंटर स्टार है, और यहां से जब एक सीधी रेखा जब हम खींचेंगे तो ये होते हुए जो यहां पर जो स्टार मिलता है ये पोल स्टार होता है, ये काफी चमकता है और आपको पता चल जाएगा। तो यहां पॉइंटर स्टार से सीधा रेखा खींच कर जो यहां पर तारा आएगा ये पोल स्टार होगा, और इसका डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही होता है, ये नॉर्थ दिशा में ही दिखता है। तो हम इसके इस तारे के द्वारा पता कर सकते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन क्या है, और नॉर्थ डायरेक्शन के बाद हम दूसरे डायरेक्शन का पता कर लेते हैं। तो इसके इस पे एक यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि एक एक बंदा है, उसे गांव में जाना है, उसका गांव समथिंग ईस्ट या वेस्ट, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा ठीक से कि किसी दूसरे डायरेक्शन में है, लेकिन वो लकली उसने पोल स्टार को लोकेट कर लिया, तो अब वो किधर जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों।